शेख रशीद जिस शेर से डरते थे वो आज़ाद हो गया। आईएमएफ के पास जाने पर हुक्मरान डूब मरे, पीटीआई थूक कर चाट रही है। ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुखालफिन पर चढ़ाई, शेख रशीद जिस शेर से डरते थे वो आज़ाद हो गया है। आईएमएफ के पास जाने पर हुक्मरान डूब मरे। जो अवाम को रिलीफ देने के बहाने आए थे और अवाम का जीना मुश्किल करके बैठ गए हैं, और वो पिंडी का शैतान और वो दूसरा पिंडी का छोटा शैतान जिसने अभी अभी थोड़ी देर पहले अपना वीडियो पैगाम दिया है, और उसने कहा है मैं आप मीडिया के साथियों के तवसत से फयाजुल हसन चवल साहब को, सॉरी चौहान साहब को, ये कहना चाहता हूँ कि शायद आपने जल्दबाजी की। आपने लाहौर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच का जो फैसला अभी अभी आया है, शायद आपने उसको, वैसे तो आप माशाल्लाह वज़ीर इत्तलात हैं, लेकिन इत्तलात का आलम आपका ये है कि आपको अक्सर बातें जो है वो देर से पता चलती हैं। इसी तरह आपने जो अभी वीडियो पैगाम जारी किया है मीडिया को, उसमें आपने कहा है कि हमज़ा शहबाज और शबाशिर साहब पर दर्जनों करप्शन के मुकदमात हैं। काश आप वो ज़रा सब्र से काम लेते जो आपके अंदर है नहीं, आपको टीवी पे आने की जल्दी बड़ी होती है। तो जो फयाज साहब, आज जनाब साहब जब आपको कहता हूँ तो जुबान में दर्द होती है, क्योंकि साहब नाम की चीज़ आपके अंदर है कोई नहीं। और जो अभी आपने सियालकोट से ख्वाजा आसिफ साहब की शर्म और हया का तज़किरा किया, वो ना अल्लाह के फजल से आपकी पार्टी में है, ना आपके लीडर में है, और ना आप लोगों में।